अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कमर कैसरानी यूट्यूब चैनल। भारत की इंतहा पसंदी या भारत का खौफ, फैसला आपने करना है। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, एक शख्स जो कि कश्मीरी हुर्रियत जमात का लीडर है, हमने तो अक्सर जमातों के लीडरान को देखा है, अगर वो जेल में भी हूँ तो एसी की हवा और उसकी नवाबी की मुराद जेल तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और हमारा यकीन है कि किसी लीडर के लिए लफ्ज़ जेल नाम ही उसकी सज़ा के लिए काफ़ी होता है। लेकिन कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई को एक गलत केस में 2010 में जेल में डाला गया, और ऐन उसी वक्त जेल में डाला गया जब उन्हें कुछ देर पहले ही हुर्रियत जमात का चेयरमैन नामज़द किया गया था। इससे तो साफ ज़ाहिर भारत का खौफ से भरा चेहरा नज़र आता है। आज़ादी के इस अजीम रहनुमा की तबीयत ना जाने कितनी बार ख़राब हुई होगी, लेकिन अब हम जुल्मे भारत कहें या खौफे भारत, मोहम्मद अशरफ सहराई साहब को कभी भी हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। जब कल आपकी तबीयत इंतहाई नासाज थी तो अपना चेहरा साफ करने के लिए भारत ने अशरफ सहराई को हस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो वहाँ पर जान की बाजी हार गए। दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।